लीडर बनी मैनेजर में। आपने कभी 9 का टेबल सुना है? 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 8 plus 1 is equal to 9, 2 plus 7 is equal to 9। आप क्रमशः देखें तो सबका योग 9 ही आता है। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। आप समझिए, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श राजा। भगवान के सातवें अवतार पर उनसे ज्यादा चुनौती किसी मनुष्य ने नहीं झेली। जब भगवान श्री राम अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से अयोध्या वापस आए तो गुरु विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे अपने साथ राम और लक्ष्मण को ले जाना है क्योंकि जंगल में राक्षसों का तांडव बढ़ गया है। और राजा दशरथ के समझाने के बाद भी वे नहीं माने और 14 वर्ष के बालक राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके गए। सोचिए, उस समय भी एक 14 वर्ष के बालक में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो चाहते तो अपने साथ सेना को ले जा सकते थे। एक राजा के पुत्र थे, वो अपने साथ पूरी सेना लेके जा सकते थे, लेकिन वो जंगल गए और जंगल के लोगों को ही, जो आदिवासी थे, मल्लाह थे, उनको ही शिक्षित किया, उन्हें एजुकेटेड किया, लीडरशिप क्वालिटी। उन्होंने राक्षसों को मारा, मारी जी का वध करके और अपने यज्ञ को पूरा किया। फिर यहाँ से मिथिला गए जहाँ पर सीता का स्वयंवर था। वहाँ पर उन्होंने एक हाथ से धनुष उठाया। उन्होंने पूरी रामायण में कहीं भी अपनी फिजिकल कैपेसिटी का यूज नहीं किया। फिजिकल कैपेसिटी थी, वो भगवान थे, वो चाहते तो अपने फिजिकल पावर का यूज कर सकते थे। डिसिप्लिन, उन्होंने कभी अनुशासन भंग नहीं किया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज के समय में क्या होता है, अगर किसी को थोड़ी भी पावर मिल जाए तो वह उसका मिसयूज करते हैं। चपरासी को उसके ऊपर का ऑफिसर, ऑफिसर को उसके ऊपर का मैनेजर और मैनेजर को उसके ऊपर का डॉक्टर, डायरेक्टर अपने पावर का मिसयूज करते हैं। रामचंद्र जी जब स्वयंवर से वापस अयोध्या आए तब उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। सोचिए, जो इंसान भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का राजा बनने वाला है और उसे पता चलता है कि उसे जंगल जाना है, उनके धैर्य की सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल जाने का आदेश कौन दे रहा है? उनकी माँ, वो माँ जिसे वो अपनी खुद की माँ से भी ज्यादा मानते हैं। आज के लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे वो डर जाते हैं। आप उनका धैर्य देखिए, 14 साल के लिए कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, 14 साल तक किसी और का वचन निभाने के लिए वो जंगल चले जाते हैं। कहते हैं कि जब राजा राम अयोध्या में थे तब वो श्री राम कहलाए और जैसे ही जंगल से वो वापस आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। जब श्री रामचंद्र जी ने जंगल के लिए प्रस्थान किया तब उनके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। उनके साथ कौन कौन गए? लक्ष्मण जी और माता सीता। दूसरे लोग भी तो उनके साथ जा सकते थे। याद रखिए, आपको जिंदगी में ऐसे दो लोग जरूर मिलेंगे जो हर मौके पर आपके साथ खड़े रहेंगे। याद रहे, वो दो लोग लक्ष्मण और सीता की तरह आपके साथ रहेंगे। दो लोग आपके दोस्त, आपके माता पिता हो सकते हैं। आपको ऐसे दो लोग अवश्य मिलेंगे जो जीते जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आप भी उनका साथ कभी मत छोड़िएगा। इससे एक बात पक्की हो जाती है कि परिस्थिति आपके जीवन में असर नहीं करती, असर करता है तो उस परिस्थिति में आपका लिया हुआ निर्णय। परिस्थिति में लिया गया निर्णय आपके जीवन में असर करता है। इससे बड़े, इतने बड़े साम्राज्य के राजकुमार जंगल जा रहे हैं तो अपने साथ सेना लेके नहीं जा सकते थे। और आप खुद सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य के राजकुमार जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे थे, ये बात दूसरे राजाओं को पता नहीं चली होगी, उन्होंने मदद करने की कोशिश नहीं की होगी। पर ये ठहरे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। विडंबना देखिए, एक राजकुमार जंगल की ओर प्रस्थान कर रहा है और उनके छोटे भाई भरत उन्हें वापस लेने जाते हैं। उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, ला सके तो उन्होंने खड़ाऊ ही मांग ली, कहा सिंहासन पर रख के और राज्य चलाएंगे।
और कुछ नहीं मांगो, सिर्फ सिंहासन पर रखने के लिए खड़ा हूँ। आप खुद सोचिए, एक राजकुमार नंगे पैर जंगल में चला होगा और 14 साल के लिए सोशल बायकॉट हो गया है। अगर आपको 10-15 दिन के लिए मोबाइल ना मिले तो आपकी कंडीशन क्या होगी? आप पागल हो जाएंगे। आप उनकी मेंटल स्थिति सोचिए। एक इंसान जिसे 14 साल का वनवास मिला है, वो भी खाली पैर जंगल में। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता सीता का अपहरण हो गया। आप उनसे उस इंसान की धैर्य की स्थिति सोचिए जो सोशल बायकॉट हो गया है। उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, वो ये भी नहीं जानते कि उनकी पत्नी को कौन उठा के ले गया है। उनकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? इससे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति मुझे नहीं लगती कि आपके साथ जीवन में कभी आई हो। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, मुस्कुराते हैं। ना तो उन्हें राजकुमार बनने की खुशी थी और ना ही जंगल जाने का गम। वो चाहते थे तो बाली को अपने साथ ले सकते थे, ऐसा नहीं किया। जो बाली उनके साथ मिल जाता तो रामचंद्र जी रावण के मारने में उनको कोई दिक्कत जाती नहीं। पर वो बली भांति जानते थे। उन्होंने कहा, जो स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता वो इंसान अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुसार छोटे भाई की पत्नी बहन समान होती है। जो गलत निगाह से देखे वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने कभी बाली का साथ नहीं दिया। सुग्रीव जो हारा हुआ इंसान था, वो उनकी भूमिका रामायण के अंदर बहुत ही अच्छी लगी है। भगवान की विविधता देखी कि उनका छोटा भाई मूर्छित पड़ा है। लक्ष्मण युद्ध करते समय मूर्छित हो जाते हैं पर वो कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं और उनकी मूर्छा दूर करते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी, आप उनकी टीम देखिए। उनकी टीम में जामवंत, सुग्रीव, हनुमान, एक बंदर की सेना जो समझ से भी परे है, वो लंका जाके माता सीता को लेके आती है। दूसरी चीज, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब एक छोटी सी गिलहरी, अब उसका कंट्रीब्यूशन क्या? पर लीडरशिप क्वालिटी देखिए, उसका भी वर्णन किया है श्री राम ने। आप जो गिलहरी की पीठ पर तीन धार बनी हुई है, वो माना जाता है कि श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा था, उसके हैं। इतना ही नहीं अपितु आप देखेंगे कि पूरी रामायण में कितनी लड़ाइयाँ हुई पर कभी राजा नहीं बने। लंका की भी जीत से पहले विभीषण को लंका का राजा बनाया और जहाँ जहाँ गए वहाँ के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी विकसित की और वहाँ के लोगों को सिलेक्ट करके राजा बनाया। यानी कि पहले लोकतंत्र की स्थापना श्री राम ने की। दूसरी चीज, माता सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी, वो राजा जनक को मिली थी। जब राम भगवान का स्वयंवर का वक्त था तो श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान की यही इच्छा है। पहला इंटरकास्ट मैरिज श्री रामचंद्र जी ने किया। पहले लोकतंत्र की स्थापना किसने की? भगवान राम ने। उनकी जीवनी से हमें क्या सीखते हैं? लीडर बनिए, मैनेजर नहीं। लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है? मैनेजर दिए गए रिसोर्स को मैनेज करता है और लीडर रिसोर्स को क्रिएट करता है। दूसरी चीज, धैर्य। आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना सीखना होगा। तीसरी चीज, जिज्ञासा, विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। चौथी चीज, एटीट्यूड, यू नीड टू नो राइट एटीट्यूड। डिसिप्लिन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिखाते हैं कि राम भगवान अपने कुल में पहले थे कि जिन्होंने एक ही शादी की। उन्होंने कहा, मल्टीपल शादी और मल्टीपल वाइफ होना गलत है। जो ट्रेंड, उन्होंने एक ही शादी का ट्रेंड